हेलो वेलकम बैक व्यूअर्स। अगर किसी पर्सन के स्क्रॉटम में यानी अंडकोशों में सिर्फ एक अंडकोश यानी एक टेस्टिकल है तो उसकी चिंता ये रहती है कि क्या वो भविष्य में पिता बन पाएगा, या जो सफिशिएंट अमाउंट में जो हार्मोन बनते हैं मेल हार्मोन क्या वो उसमें बन पाएंगे सही। तो आज हम इसी के जो डाउट्स हैं आपके क्लियर करेंगे। तो इससे संबंध में जो सबसे पहला आपका सवाल है कि क्या आप आगे भविष्य में पिता बन पाएंगे अगर आपके अंडकोशों में सिर्फ एक टेस्टिकल है, तो बिल्कुल आप बन सकते हैं। बिकॉज अगर किसी भी व्यक्ति में एक टेस्टिकल होता है तो वो एक सफिशिएंट अमाउंट में स्पर्म बनाता है जिससे कि आप आगे चल के पिता आराम से बन सकते हैं, उसमें किसी तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी अगर आप स्वस्थ हैं तो। दूसरा आपका सवाल रहता है कि जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है जो एक मेल हार्मोन सिक्रीट होता है उस टेस्टिकल में, वो भी सफिशिएंट अमाउंट में उसमें सिक्रीट होता है और उसके ही आधार पर आपके जो भी बॉडी में चेंजेस आते हैं, जो मैन फीलिंग्स होती हैं या फिर जो हमारी दाढ़ी मूंछ वगैरह आती है, वो सभी चीज़ें अच्छे से उसके उतने ही उसी टेस्टिकल्स के हार्मोन से अच्छे से बनती हैं। और ये एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं जिनमें ये बिल्कुल प्रूव्ड है कि जिस व्यक्ति के अंदर अगर एक टेस्टिकल होती है तो उसका शारीरिक विकास भी सही से होता है और उसके अंदर पूरी मैन वाली फीलिंग भी होती है, साथ ही साथ उसके पोस्चर, उसके बोलने का तरीका, साथ ही साथ जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं वो भी बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। तो इसलिए किसी भी तरीके का कोई डाउट आपको रखने की ज़रूरत नहीं है कि आप दूसरे लोगों से किसी तरीके से कम हैं, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल उन्हीं की तरह इक्वल हैं जैसे दूसरे लोग हैं। तो ये डाउट बिल्कुल ना रखें और खुश रहें, स्माइल रखें और वेल लाइफ के लिए आगे बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह प्लान करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।